क्वेश्चन है, मिस्टर ए मैन्युफैक्चर्ड अ मोटर, ठीक है, इसने मोटर बनाई और जो कितना करंट विड्रॉ कर रही है, 2 एम्पियर का करंट ले रही है, ऑपरेटेड ऑन 120 वोल्ट, तो वी की वैल्यू कितनी है, 120 है, तो वी पता है और इसका आई पता है, तो मोटर की पावर पता है। आगे, इफ हीट डेवलप्ड इन द मोटर इज 9 कैलोरी पर सेकेंड, अब जो हीट डेवलप हो रही है वो 9 कैलोरी पर सेकेंड है, अब 9 कैलोरी पर सेकेंड हीट डेवलप जो हो रही है ये मोटर के लिए नुकसान है, कि मोटर जितनी गर्मी प्रोड्यूस करेगी उतना ही वो लॉस माना जाएगा, तो ये हीट लॉस है। तो आप कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करें 4.2, तो जूल पर सेकेंड आएगा, यानी कि 37.8 वॉट्स आएंगे, तो इतनी हीट का पावर का लॉस आएगा। तो मोटर जनरेट कितना करती है, वी इन टू आई पावर 240, इसमें से इतना खराब कर देती है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर क्या है, जनरेट करती है 240 में से इतनी वेस्टेज है, तो माइनस करके क्या आ गया, आउटपुट पावर इतनी हमें बाहर देगी, और इनपुट पावर क्या है, 240 यानी जो जनरेट कर रही थी, और 100 से मल्टीप्लाई करके एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई। तो एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट है, टू इलेक्ट्रिक लैंप्स आर रेटेड 220 वोल्ट एंड 40 वॉट, 220 वोल्ट एंड 60 वॉट, ये क्यों गिवन होता है पावर और वोल्टेज, ताकि आप क्या निकाल सके, रेजिस्टेंस V² / P, V² / P। तो चलो मान लो आपने R1 R2 की वैल्यू निकाल ली। आगे क्वेश्चन है, फाइंड हीट जनरेटेड इन ईच लैम्प पर सेकेंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जब तुम सीरीज में लगा दोगे तो कह रहे हीट बताओ क्या होगी, हीट या पावर बताओ क्या होगी। तो एक काम करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज लगा लेंगे, R1 R2 सीरीज है, सीरीज लगाने पे दोनों रेजिस्टर में करंट कितना दौड़ेगा, करंट होगा V/R1+R2। वोल्टेज मेरे को पता है 220 है, R1 और R2 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, करंट आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, करंट की वैल्यू आ गई। अब ये करंट जब पहले रजिस्टर में जाएगा R1 में, तो कितनी हीट डेवलप करेगा, I² R1, और इसमें कितना करेगा, I² R2, तो दोनों में हीट लॉस आ जाएगा पर सेकेंड। हीट लॉस पर सेकेंड को ही पावर लॉस बोलते हैं, तो आपको पावर पूछ रहा है वो I² R1 I² R2। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो पहले आप आई निकालेंगे, फिर I² R1 I² R2 से आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर नहीं आ रहा, वैसे बता दूं 5% इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 10.25%। क्वेश्चन देखें, क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 21 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो लड़ी बना दी बल्ब्स की, 21 बल्ब की लड़ी है सीरीज में विद अ मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, तो 20 पे 21 बल्ब चला दिए। आफ्टर वन बल्ब इज फ्यूज्ड, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो बचे कितने, 20 बल्ब बच गए, तो आपको ये बताना है कि फिर से सीरीज में लगा दिए, तो बाय व्हाट परसेंटेज विल द इल्यूमिनेशन ऑफ अ बल्ब, अ बल्ब का मतलब सिंगल बल्ब, एक बल्ब की इल्यूमिनेशन कितने परसेंटेज से चेंज हो गई, ये क्वेश्चन है। इल्यूमिनेशन का मतलब पावर चेंज हो गई, तो कितने परसेंट से पावर चेंज हुई वही इल्यूमिनेशन चेंज माना जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम पहले ये मानते हैं 21 बल्ब सीरीज में है, तो क्या आएगा 21 R, करंट क्या है V/21 R, एक बल्ब के अंदर ये करंट दौड़ेगा तो एक बल्ब के अंदर नई पावर क्या आएगी, I² R, वैसे तो इसकी जो पावर है पर सीरीज में लगने के बाद पावर चेंज हो जाती है, I² R लगाना पड़ता है, तो I² × R, आई की वैल्यू मेरे को पता है, नई पावर आ गई, तो ये पावर है जब 21 बल्ब लगे हुए हैं। जब 20 बल्ब लगे हुए हैं तो फिर यहां पर 221 की जगह नीचे, सॉरी 21 बल्ब की जगह 20 R हो गया, और एक बल्ब की रेजिस्टेंस तो अभी भी R है, तो नई पावर आ गई R रेजिस्टर की। तो पहले नई पावर, जो पहले पावर आई वो 21 बल्ब के हिसाब से आई, अब 20 बल्ब के हिसाब से आई, आपको निकालना है परसेंटेज चेंज,
तो परसेंटेज चेंज में आपने ये पावर का क्या निकाल लेना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, आंसर आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके। क्या ये पॉइंट क्लियर है? वो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि इल्यूमिनेशन अ बल्ब की जगह 21 बल्ब और 20 बल्ब की टोटल इल्यूमिनेशन कितनी चेंज हुई। अगर वो 21 के 21 बल्ब की इल्यूमिनेशन टोटल इल्यूमिनेशन पूछता है तो यहां पर आर की जगह 21 आर आएगा, 21 के 21 की इल्यूमिनेशन आ गई, और यहां पर आर की जगह 20 आर आएगा, 20 बल्ब की इल्यूमिनेशन आ गई, फिर परसेंटेज निकालना, फिर 5% आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, उसने अ बल्ब बोला तो अपन एक बल्ब की इल्यूमिनेशन चेंज निकाल देंगे। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट इसमें?